युद्ध के मैदान में दुश्मन को कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए धोखा दिया जा सकता है और भारत इस नायाब टेक्नोलॉजी में कैसे महारत हासिल कर रहा है, ये सब देखने को मिला जोधपुर में IDX 24 में। इसके बारे में और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर। मेरे ठीक पीछे है ऑस्ट्रेलिया का ये ग्राउलर एयरक्राफ्ट। इसकी खासियत ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काम आता है। तरंग शक्ति में दुनिया भर से जो आए लड़ाकू विमान वो यहाँ पर डिस्प्ले किए गए, उन्होंने तरंग शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया और जो मित्र देश हैं उनके 30 लड़ाकू जहाज़ों ने इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया। अब तक की सबसे बड़ी इस एक्सरसाइज का फ़ायदा ये हुआ कि भारत ने दूसरे देशों को ना सिर्फ अपनी तकनीक के बारे में बताया बल्कि उनकी भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपने पायलट्स का इंटरेक्शन करवाया। मेरे ठीक पीछे है भारत की शान और मेक इन इंडिया का अद्वैत उदाहरण तेजस, जो ऑल वेदर फाइटर एयरक्राफ्ट है। तेजस की तारीफ अमेरिका से आए एयरफोर्स के आला अधिकारियों ने भी की और उन्होंने माना कि भारत के पास अब एक ऑप्शन है। ये ज़रूर है कि F-16 की वजह से अमेरिका ने दुनिया भर में अपने लड़ाकू जहाज़ भेजे, लेकिन आज भारत अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बैरिस्टू, DD News, जोधपुर।